दोस्तों देखिए, ये एक और एटमबर्ग का जो है सीलिंग फैन है, तो ये थोड़ा सा चीप है यहाँ पे, और डिज़ाइन इसका आप देख सकते हो। देखिए रिमोट से, ये भी जो है रिमोट से चलता है, और एक बहुत ही चीप जो है इसको जो है बनाया गया है। देखिए बीच में एक एलईडी भी दिया गया है, जिससे आप जब रिमोट का फंक्शन इसको प्रेस करेंगे तो ये एलईडी जो है ग्लो करने लगता है यहाँ पे। तो ये जो है ब्राउन कलर में है। तो ये देखिए, इसका अगर प्राइस वगैरह की बात करेंगे तो देखिए हमारे हम लोगों के लिए जो है थोड़ा सा ये जो है मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि चीप है। और ये देखिए, ये इसका बॉक्स है। तो ये एटमबर्ग जो है सीलिंग फैन AME JT MAZ इसका मॉडल नंबर है। और ये इसका अगर प्राइस की बात करेंगे तो देखिए 1200 mm का ब्लेड है, इसका ब्लेड है। तो यहाँ पे देखिए, अगर बॉक्स में अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस लिखा होगा, तो यहाँ पे देखिए 5000 कुछ समथिंग यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, 4800 कुछ लिखा हुआ है। तो लेकिन ये 4800 रुपये नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप अगर लेंगे ऑनलाइन में तो 2500-3000 रुपये आपका पड़ेगा यहाँ पे प्राइस। और बहुत ही अच्छा जो है चीप क्वालिटी है, कम क्वालिटी कम प्राइस में अच्छा सीलिंग फैन है। इसका यंत्र भी बहुत ही अच्छा है। आप अगर आप थोड़ा सा कॉस्टली में अगर नहीं जाना चाहते हो तो ये ले सकते हो, बहुत ही अच्छा फैन है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, कभी भी आप BLDC फैन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे करने से, तो हमारे जो पुराने रेगुलेटर का जो कनेक्शन होता है इसको जो है हमेशा निकालना है, इसका कनेक्शन नहीं करना है।